हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शर्माज एक्टिविटीज। तो होली आ रही है, ढोल की आवाज आ रही है ना आपको, बाहर बज रहे हैं ढोल। मैं बना रही हूँ नमकीन चीज़ें बना रही हूँ, मतलब मठरियाँ बनाऊंगी और ये चिवड़े वगैरह बनाऊंगी। तो मैंने ये पहली मठरी मैं बना रही हूँ, थोड़ी मैदा ले ली है और थोड़ा सा मतलब 1/4 इसमें मैंने सूजी मिक्स कर ली है। और ये मैं बनाऊंगी मतलब सूखी मेथी वगैरह मिक्स करके नमकीन मठरी बनाऊंगी। तो थोड़ा सा नमक डाल लिया है और थोड़ा सा इसके अंदर ये जो मेथी है ना सूखी, इसको मतलब हाथों से मसल के डाल देंगे। थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे मसल के, और मतलब आप अपने हिसाब से जो भी घी डालना चाहो या तेल डालना चाहो वो मोइन डाल देंगे, और अच्छा सा कड़क बना के इसको गूंथ के रख देंगे। यहाँ पे हम मोइन डाल के और अच्छे से इसको मसल लेंगे और ऐसे मुट्ठी बना के देख लेंगे कि अच्छे से मुट्ठी बन रही है। इट मीन्स ये मोइन अच्छा है, सॉफ्ट मठरी बनेगी। और थोड़ा सा गुनगुना पानी होता है ना उससे इसको गूंथ के रखेंगे तो क्या है कि, और थोड़ी देर आटे को भी रेस्ट करवाएंगे ये जो मैदा अपन ने दिया है, तो इससे क्या मठरी अच्छी बनेगी। अब मैं बना रही हूँ काली मिर्च की मतलब मठरी बोल लो पपड़ी बना रही हूँ। इनको थोड़ा सा पतला बेलूँगी मैं, तो ये जैसे कि दही पपड़ी बनाते हैं वो अपन बना सकते हैं, इससे अच्छी लगती है। और वैसे भी चाय या कॉफ़ी के साथ मतलब ऐसे भी खाते हैं ना तो भी बहुत अच्छी लगती है। तो काली मिर्च कूट के और थोड़ा सा नमक इसमें थोड़ा सा तीखा बना के और बनाऊँगी, तो काली मिर्च और नमक से मिक्स करके और मैं इससे बनाऊँगी दही पपड़ी वाली मठरी। यहाँ पे मैंने ये थोड़ा सा मैदा लिया है और पानी लिया है, इसको क्या घोल लेंगे। ये जो दोनों मठरियाँ बनेगी ना, ये दोनों ही मठरियाँ लेयर वाली मठरी बनेगी, इसलिए इस मैदे का मतलब घोल बना के और रखना जरूरी है। देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ आगे। यहाँ पे ये मैदा का जो बनाया था ना लिक्विड अपन, वो लगा देंगे यहाँ पे। और फिर इसको क्या करेंगे, जो भी ये बड़ी सी रोटी बनाई है ना इसको फोल्ड कर लेंगे धीरे धीरे। तरह से ये लेयर हो गया। अब इनको क्या बेलने की जरूरत नहीं है, बस हथेली से इनको थोड़ा थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। पहले तेल को एकदम गर्म करना है, फिर एकदम मीडियम फ्लेम पे कर देना, नहीं तो क्या है पूरी जल जाएगी, अंदर से अच्छे से नहीं सिकेगी। और इनका अंदर से अच्छे से सिकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लेयर वाली मठरी है। तो एकदम मंद मंद आँच में इनको सेकिए अच्छे से।
अब मैं बनाऊंगी काली मिर्च वाली मठरी, इनको थोड़ा सा अलग स्टाइल से बनाऊंगी। ये भी बनेगी तो लेयर वाली ही, लेकिन थोड़ा सा अलग होगा ये। क्या है, छोटी छोटी लोइयां निकाल के और थोड़ा थोड़ा बेलन से इनको दबा के और बेल लेते हैं ऐसे लंबे साइज में। तो ये मतलब चाट बनाते हैं ना, दही चाट वगैरह, पपड़ी चाट, उसमें बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए, ये भी तैयार हो गई है बनके। ये मतलब दोनों तरह की मठरियां तैयार हो गई है। इनको ठंडा होने के बाद में, मतलब ग्लास के जार हो तो उसमें डाल दीजिए। मैं इसमें थोड़ा सा क्या और तीखा करने के लिए, इनको ये चाट मसाला रखा हुआ है मेरे पास में, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। अंदर तो मसाले डाले ही हैं, चाट मसाला ऊपर से डाल देंगे तो थोड़े और भी टेस्टी हो जाएंगे। और पैक करके इनको रख देंगे। अब बनाते हैं मीठे पेठे, जो मैं बनाऊंगी चीनी के। देखिए, ये मैदा को इस तरह से, मतलब वो मोइन वगैरह डाल के बेल लिया इस तरह से। ये थोड़े मोटे होते हैं और इसमें नमक नहीं डलेगा, और इनको वही मतलब लो फ्लेम में अच्छे से सेक लेंगे। और साइड बाय साइड मैं इसकी चाशनी बनाऊंगी। तो चाशनी में भी कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, बस एक गिलास मैंने पानी लिया है और चीनी डाल दी है उसके अंदर, और अपने मतलब उसके अकॉर्डिंग आप चाशनी, एक तार की ही चाशनी बनानी है, चाशनी बना देंगे अपन। और फिर चाशनी को ठंडा होने के बाद में ये जो बेले हैं ना, छोटे छोटे मैदा के पेठे, हमारे उधर तो पेठे ही बोलते हैं, वो इसमें डाल देंगे। ये भी बन के रेडी हो जाएंगे। मैंने इसका वीडियो पहले भी बनाया है, मैं उसका लिंक डाल दूंगी। उसमें मैंने पूरा मतलब मेजरमेंट करके बनाया है, कितना चीनी लेनी है, कितना पानी लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा अगर देखना चाहें तो। और बहुत मतलब बहुत ही ईजी है, आराम बना लेते हैं चिबड़े, क्योंकि कितनी भी मिठाई बनाओ, नमकीन बनाओ, चिवड़े के बिना तो सब अधूरा है। तो मैं फटाफट चिवड़े बना लेती हूँ और उसके बाद में मैं बनाऊँगी कांजी वड़ा। तो उसके लिए मैंने दाल भिगो दी है, और दाल भिगो के उसको पीस के फिर मैं बनाती हूँ कांजी वड़े। कांजी बड़े मैं बनाती हूँ मूंग के मोगर के ही बनाती हूँ, क्योंकि सॉफ्ट भी रहते हैं और हल्के भी रहते हैं खाने में। तो ये मैंने 4-5 घंटे के लिए दाल भिगो दी है, और दाल मतलब अच्छे से भीग जाए तो उसको पीसना है, पानी ज़्यादा नहीं डालना है हमें, ये ध्यान रखना है यहाँ पे। दाल को पीसने के बाद में इसको बड़ी सी कोई बर्तन में निकाल के और अच्छे से थोड़ा सा मथ लेंगे, तो क्या हो कहेंगे, बड़े निकालेंगे ना छोटे छोटे, तो वो फटेंगे नहीं। कई बार क्या होता है कि इसके अंदर हवा रह जाती है ना, तो वो फट जाते हैं, तो हमें इसको मथने का ज़रूर ध्यान रखना। और आप कुछ डालना चाहते हो, काली मिर्ची या थोड़ा सा नमक, तो वो भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। अदरवाइज कई लोग कुछ भी नहीं डाल के बनाते हैं, पानी में डाल देंगे सारा, कांजी बनाएंगे उसमें। तो मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल के फिर बनाऊँ। अब कर लेते हैं कांजी का पानी बनाने की तैयारी। तो इसमें जो मसाले पड़ते हैं, ये पीली सरसों है, राई है, नमक है, 2-3 तरह के नमक ले सकते हो, थोड़ी सी मैंने हींग डाली है, और ये मैंने इसमें पानी ले लिया है, गर्म पानी लेना चाहो तो गर्म पानी ले लो। और इसमें सब मसालों को पीस के और इस पर कपड़ा लगा के या ढक्कन लगा के थोड़ी देर, मतलब 5-6 घंटे तो रखना ही पड़ेगा। एक दिन भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, धूप में रख देंगे, फिर हमारी कांजी बन के रेडी हो जाएगी। और ये देखिए, ये बड़ों को भी मैंने 4-5 घंटे पानी में भिगो दिया था, इतने सॉफ्ट बन गए हैं। कांजी के अंदर ये सब डाल देंगे, और आप मीठी चटनी डालना चाहो तो मीठी चटनी भी डाल लीजिए, और ये ग्रीन चटनी डाल लेंगे, थोड़े से ये नुकरे पड़े होंगे वो डाल लेंगे, और बहुत ही टेस्टी और हेल्दी कांजी तैयार हो चुकी है। और इधर मैंने बना ली है ये पापड़ी चाट, वो पापड़ियाँ बनाई थी ना उनसे। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। हैप्पी होली।